नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल भर्ती 2022, 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी क्या करें, कटाव तय करेगी भर्ती की पारदर्शिता, लेखपाल रिजल्ट जल्द, सारी जानकारी हम आपको देंगे, आप वीडियो में बने रहिए। 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी क्या करें, जिन्होंने अवैध तरीके से नकल किया है वो डीबी करवाने न जाएं। जब वो डीबी करवाने जाएंगे तो लेखपाल स्कोर कार्ड और पेट स्कोर कार्ड में कंपेयर कराएंगे। अगर आपका पेट में कम नंबर है, लेखपाल में 85+ है, तो आप संदिग्ध तौर पे वहाँ देखे जाएंगे और एक कमेटी बैठेगी और कमेटी द्वारा 5-6 प्रश्नों को पूछा जाएगा। अगर आप बता नहीं पाएंगे तो आपको कन्फर्म है जेल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात लेखपाल का रिजल्ट, लेखपाल का स्कैनिंग का कार्य पूरा हो गया है और जो टॉपर हैं, 15,000 जो टॉपर अभ्यर्थी हैं उनकी सूची एसटीएफ को सौंप दी गई है। ठीक है, अब कटाव तय करेगी भर्ती की पारदर्शिता। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कटाव क्या रहेगा, अब कटाव ही तय करेगा भर्ती की पारदर्शिता। अगर भर्ती में पारदर्शिता रहेगा, कुछ भी पारदर्शिता रहेगा, थोड़ा बहुत भी, तो ये कटाव आप देख लीजिए जनरल की 77 से 79 के बीच, ओबीसी की 74 से 76 के बीच, ईडब्ल्यूएस की 74 से 75, एससी की 72 से 74, एसटी की 65 से 67, तो आप सेफ जोन में हैं। अगर आपके इतने नंबर से भी कम आ रहे हैं तो आप भैया अपेक्षा छोड़ दीजिए, लेखपाल के लिए अपेक्षा छोड़ दीजिए, आप कोई दूसरी तैयारी में लग जाएं, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इस भर्ती में अगर थोड़ा सा भी धांधली हुआ है तो ये जो कटाफ है, इस कटाफ से बहुत बच्चे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इससे भी कम नंबर है और अनुमान लगाए बैठे हैं कि मेरा लेखपाल में होना है, तो आपका भैया लेखपाल में नहीं होना है। अब एसटीएफ के ऊपर है, आयोग के ऊपर है, तो कितना पारदर्शिता से यह भर्ती करवा लेती है। 2024 में चुनाव है, कहीं ना कहीं ये भर्ती 2023 अप्रैल मई तक क्लियर करवा देंगे। तो लेखपाल का रिजल्ट नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, क्योंकि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, सिर्फ रिजल्ट ही आना है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।